आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त कुत्तापेट फ्रूट मार्केट यानी गड्डिया नारम फ्रूट मार्केट में रैपिड एक्शन फोर्स यहां पर तैनात की गई है लाठी चार्ज के लिए। अगर कुछ हालात बिगड़ते हैं तो यहां पर लाठी चार्ज भी किया जाएगा। इस फ्रूट मार्केट को तोड़ने का मकसद ये है कि यहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना चाहती है जिसमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ होंगे। 20 एकड़ से ज़्यादा इसकी ज़मीन है, लेकिन ये मैटर जो है कोर्ट में भी पेंडिंग था। और यहाँ के जो कमेटी के सदर हैं इस मार्केट के, जिनका नाम ताज साहब हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल तक कोर्ट ने वक्त दिया था और 6 अप्रैल के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता था। तब तक के लिए यहाँ के लोगों को कारोबार करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 2 दिन पहले ही इसे खोला गया था और खोलने के बाद से इसे 2 दिन के अंदर ही बंद कर दिया गया और इस मार्केट को तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं कि RAF की टीम भारी तादाद में यहाँ तैनात है, पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और यहाँ पर लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। अगर आप मेरी सीधी जानिब देखें तो और RAF के जो है जवान यहाँ पर आते जा रहे हैं और डेमोलिशन का काम चल रहा है। लेफ़्ट साइड अगर आप देखें, ये कदीम इमारत थी, पुरानी इमारत थी जिसे तोड़ दिया गया है। अब चूँकि 20 एकड़ से ज़्यादा ये ज़मीन है तो यहाँ पर CMKCR का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने का भी ख्वाब बताया जा रहा है। लेकिन जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, क्या उसे कोर्ट की खिलाफ वर्जी ना समझा जाए, क्योंकि अभी कोर्ट में चल रहा था मसला और यहाँ पर इसका डेमोलिशन हो गया। यहाँ की कमेटी के लोगों को कोर्ट से ये उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि कोर्ट इस मसले में कोई फ़ैसला सुनाए, क्योंकि हॉस्पिटल अगर ज़रूरी है तो लोगों का रोज़गार भी ज़रूरी है। मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि अंदर हमने आपको 28 सितंबर 2021 को हमने आपको एक वीडियो दिखाया था कि अंदर यहाँ पर एक मस्जिद है। उस मस्जिद को तकरीबन कुछ साल पहले बनाया गया था, लेकिन अगर ये तोड़ा जा रहा है रातों रात, अगर उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया, क्योंकि TRS गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा मस्जिदों की शहादतें हुई हैं, अगर इसे शहीद कर दिया गया तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा और फिर कौन उसका जवाबदेह होगा? मस्जिद की हिफाजत का मामला सामने अगर आएगा तो लोग थोड़ा परेशान होंगे। चैतन्यापुरी मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं, यहीं पर मौजूद है चैतन्यापुरी मेट्रो स्टेशन के सामने। मस्जिद के लिए अलग रास्ता भी दिया जा सकता है, अगर मस्जिद को इस कैंपस से अलग करना है तो मस्जिद के लिए अलग रास्ता दस्तियाब है, आप उसे दें। और कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि इनके कारोबार थे, बरसों बरस से यहाँ पर कारोबार कर रहे थे और हैदराबाद की एक बहुत बड़ी फ्रूट मार्केट इसे कहा जाता है।